व्हाट्सअप गाइस, इस स्ट्रीट गाइस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेल, मेरे इस चैनल पे दोस्तों मैं हेयर रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है उसके समाधान बताते रहता हूँ। जो भी हेयर रिलेटेड नई तकनीक मार्केट में आ रही है उसका नॉलेज आपको देते रहता हूँ दोस्तों। और मेरी खुद की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों। मेरा खुद का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था आज से 3-3.5 साल पहले। सो इस पर्टिकुलर समय में जो भी नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो दोस्तों, जो भी बंदा मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और ये वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों कि आपको कभी ना सुनने मिली हो ना देखने मिली हो। मिनोक्सिडिल ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में आपको कई सारे सवाल आपके दिल में जो कि जगा करके बैठे, आपके दिमाग में जगा करके बैठे हैं, उन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाला है। सो वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे बड़ा सवाल मिनोक्सिडिल का आपको ये रहता है कि मिनोक्सिडिल आपको कितने समय तक लेते रहना है। दोस्तों, कहा जाता है कि मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद आप डबल गंजे हो जाते हो, क्या ये बात सच है या झूठ है? इसका जवाब जो कि दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। सो वीडियो अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। सो बिना किसी टाइम पास के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर फैक्ट आपको बताओ तो बहुत सारे बालों के जो भी दवाइयां मार्केट में आती है उनकी जो कि है दोस्तों उत्पत्ति या फिर उनका उगम या फिर उनका इन्वेंशन ऐसे हुआ है कुछ इस प्रकार की मेडिसिन किसी अलग चीज की बन रही थी और वो जो कि दोस्तों बालों के लागू की गई है। जैसे कि दोस्तों 1960 में ब्लड प्रेशर की दवाई बन रही थी, ठीक है। सो उन डॉक्टर्स ने जब ब्लड प्रेशर की दवाइयों का जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो देखा गया लोगों को जो कि दोस्तों अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड हेयर ग्रो हो रहे हैं बॉडी पे, अनवांटेड हेयर या फेशियल हेयर जो कि है ग्रो होने लगे। सो उन्हें समझ में आया कि इस पर्टिकुलर दवा का उपयोग अपन हेयर ग्रो करने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर दोस्तों उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज चली, बहुत सारा जो कि है दोस्तों उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए। उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को लेके 1988 में जो कि दोस्तों FDA के पास ये लोग वो सोल्यूशन लेके गए। FDA ने जो कि फिर 1988 में उसको अप्रूव कर दिया और फिर जो कि दोस्तों उसके प्रोडक्ट्स मेल के लिए, पुरुषों के लिए आना शुरू हो गए। 1991 में जो कि दोस्तों महिलाओं के लिए मिनोक्सिडिल लागू किया गया, FDA ने अप्रूव किया और जो कि महिलाओं के लिए मिनोक्सिडिल जो कि 1991 से आना शुरू हो गया। सो मिनोक्सिडिल यह प्रोडक्ट मार्केट में 2%, 5%, 10%, 12.5% और 15% के कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 5% पुरुषों के लिए सबसे उत्तम ऑप्शन है और 2% जो कि महिलाओं के लिए सबसे उत्तम ऑप्शन है। मिनोक्सिडिल जो कि दोस्तों मार्केट में फोम फॉर्म में अवेलेबल है, जेल फॉर्म में अवेलेबल है और इसका सॉल्यूशन भी मिलता है। डॉक्टर कहते हैं दोस्तों कि फोम जो कि है, मतलब वो झाग जो कि है, वो सबसे अच्छी रहती है क्योंकि वो अच्छी तरह फैलती भी आपके स्कैल्प में, कम चिपचिपी रहती है, उसका इरिटेशन भी कम होता है। सो फोम फॉर्मेट ऑफ मिनोक्सिडिल इज वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके लगाने की विधि कैसी है। दोस्तों मिनोक्सिडिल लगाने की विधि में बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, मुझे सवाल आते रहते हैं कि भाई इसे यूज़ कैसे करना है और बेस्ट यूज़ कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आपके बालों के लिए नहीं है, आपके स्कैल्प के लिए। ये स्कैल्प तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों में नहीं, आपके स्कैल्प में बढ़ने वाला है। दोस्तों सॉल्यूशन मतलब वो जो कि एक ड्रॉपर में आप 1 ml, ध्यान में रखिए 1 ml सॉल्यूशन लेना है और जहाँ पे भी आपका गंजा पोर्शन है वहाँ पे ड्रॉपर से ऐसी बूंदे छोड़ते जाना है, थोड़ी थोड़ी बूंदे जो कि छोड़ते जाना है। ध्यान रखिए कि स्कैल्प में अच्छी तरह जो कि है दोस्तों मिक्स हो रहा है, स्कैल्प को वो टच हो रहा है, अदरवाइज बालों में वेस्ट होगा तो दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप दोस्तों बाल आपके लंबे हैं, बालों की लंबाई जो कि ज़्यादा है, तो आप जो कि फोम वाला यूज़ कर सकते हो या फिर सॉल्यूशन वाला जो कि है जैसे ड्रॉपर वाला यूज़ कर सकते हो। या दोस्तों आपके बालों की लंबाई जो कि छोटी है, आपके बाल छोटे हैं, तो दोस्तों आप जो कि है स्प्रे वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों हमें सवाल आता है कि भाई आपने लगाने की विधि बता दी, फिर रिजल्ट्स हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी इंसान एक ऐसी दोस्तों ऑब्जेक्ट है इस संसार का कि उसे किसी भी चीज़ को जो कि है संयम रखना बहुत ही कठिन रहता है। जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट आज खरीदा तो हमें रिजल्ट जो कि दोस्तों उसके दूसरे दिन चाहिए ही चाहिए। आपको एक मिथ बता दूं दोस्तों कि मिनोक्सिडिल लगाने के बाद आपको 3-4 महीने में जो कि विजिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 3-4 महीने जो कि आपको नियमित रूप से मिनोक्सिडिल का यूज़ करना है। विजिबल रिजल्ट्स यानी कि दोस्तों आपको जो भी बाल छोटे हैं, मिनीचराइज्ड हेयर है दोस्तों और पतले हुए हेयर से जिनकी
बहुत मतलब थीन हो चुके हैं, बाल बहुत पतले हो चुके हैं, सो वो बाल जो कि है आप मोटे पा सकते हो, उन जो कि बाल दोस्तों आपके घने हुए पा सकते हो केवल 3 से 4 महीने में। फिर दोस्तों आपका उसको और अच्छा ग्रो करना हो, उसमें जो कि है और जो कि है इम्प्रूवमेंट देखनी हो, तो 1 साल तक जो कि है आपको नियमित रूप से मिनोक्सिडिल यूज़ करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे गंजे देखे हैं जिनके पूरे सर में जो कि दोस्तों बाल आ चुके हैं मिनोक्सिडिल से। मिनोक्सिडिल से हथेली जैसे चिकने सर पे जो कि दोस्तों बाल कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ती नहीं है और उनकी मतलब दोस्तों वो जो कि दोस्तों हेल्दी हेयर्स नहीं रहते। बट जिनके दोस्तों गंजापन अभी अभी शुरू हुआ है, हेयर थिनिंग शुरू हुई है, बॉल्डनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उनके लिए मिनोक्सिडिल बहुत ही बड़ा बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सो दोस्तों ये लगाने से जो कि आपको एक अलग सा जो कि है एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है आपके स्कैल्प के ऊपर, वाइट वाइट जिसे हम डैंड्रफ समझने लगते हैं, बट दोस्तों वो डैंड्रफ नहीं रहता है, वो जस्ट एक उसकी लेयर रहती है मिनोक्सिडिल की। सो आपको उसे डरना नहीं है, ध्यान रखिए आपको डेली जो कि अच्छे से आपको स्कैल्प को क्लीन करना है, डेली शैम्पूइंग नहीं करनी है, बट पानी से जो कि दोस्तों फिंगर टिप से आपको स्कैल्प अच्छे से क्लीन करना है, तभी जाके मिनोक्सिडिल का यूज़ करना है। मिनोक्सिडिल जैसे कि आपको बोला मैंने 2 टाइम यूज़ कर सकते हो डे में, 1 ml मॉर्निंग में और 1 ml जो कि दोस्तों रात को। इसका दूसरा साइड इफेक्ट कह सकूंगा दोस्तों कि इचिंग होने लगती है हमें जहाँ जहाँ ये मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो, और जो कि इरिटेशन जैसे हम फील करने लगते हैं, सो उतना जो कि आपको सहना है, जहाँ जहाँ वो मिनोक्सिडिल लगाओगे वहाँ जो कि है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होते रहता है, इसलिए हमें जो कि अलग सा एक इरिटेशन जो कि है सहना पड़ता है। और तीसरा साइड इफेक्ट दोस्तों ये रहेगा कि फीमेल्स के लिए जैसे कि डॉक्टर्स ने 2% ही रिकमेंड किया, अगर वो 5% यूज़ कर लेती है तो उन्हें अनवांटेड हेयर्स जैसे कि उन्हें जैसे कि दोस्तों उन्हें फेशियल हेयर्स जो कि है आने लगते हैं, एक हल्का सा बियर्ड टाइप जो कि दोस्तों उन्हें बढ़ने लगता है, सो 2% फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है। सो आइए दोस्तों हमारा जो प्यारा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था आज के वीडियो का कि भाई मिनोक्सिडिल का उपयोग कब तक करते रहना है, क्या ये लाइफ टाइम यूज़ करना है? जी हाँ दोस्तों, मैं एक शब्द में कहूँगा तो ये जो कि है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, इसे जो कि है दोस्तों RCA मत समझे, किसी चीज़ का रूट कॉज मत समझिएगा, इसे जो कि है दोस्तों आपको लंबे समय तक यूज़ करना है, जब तक कि आपको आपके बाल टिकाए रखने हैं। आप 60 साल के हो गए तभी तक भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, एक पर्टिकुलर समय बाद जो कि इसके इफेक्ट होना बंद हो जाते हैं, बट आपको दोस्तों लंबे समय तक यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म में अगर छोड़ देते हो तो इसका विपरीत परिणाम हो सकता है, जो हेयर फॉल है आपका वो रिवर्स में हो सकता है दोस्तों, और मिनोक्सिडिल से जो भी हेयर्स ग्रो कर पाए थे वो वापस से गिर सकते हैं। सो इसका उपयोग जो कि दोस्तों आप हेयर ऑयल की तरह यूज़ करो भाई, जैसे कि आप मॉर्निंग में ऑफिस जाते हो हेयर ऑयल लगा के जाते हो, मिनोक्सिडिल लगा के जाओ और आते वक्त हेयर क्लीन करके वापस से मिनोक्सिडिल लगा के सो जाओ, ऐसा जो कि दोस्तों उपयोग करने से आपको हेयर में वृद्धि पाओगे और लंबे समय तक जो कि आपके बाल हेल्दी पाओगे। तो आप इसका उपयोग करना छोड़ देते हो तो बॉडी जो कि दोस्तों आपकी हैबिचुअल हो जाती है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके सर पे लगता है और वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तभी जाके बाल ग्रो होते हैं, और वो जब आप लगाना छोड़ देते हो तो बॉडी जो कि दोस्तों सपोर्ट लेस हो जाती है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो कंफ्यूज रहती है, तो बॉडी का वो जो कि दोस्तों बहुत ही सपोर्टिव ऑप्शन है बॉडी का। सो इसे लगाना छोड़िएगा नहीं दोस्तों, इसका उपयोग आप करते रहिएगा जितने समय तक आपको बालों को टिकाना है, और बस हेल्दी रहिए अपने बालों के साथ और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा कहता हूँ, थैंक यू।